आज देश की संसद से सोशल मीडिया तक तीन महिलाएं ट्रेंड करती रहीं, छाई रहीं, और इस खबर के तीन अध्याय हैं। पहला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान। दूसरा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का प्रहार। और तीसरा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का अहंकार। लेकिन इस पूरी महाभारत के पीछे एक पुरुष भी है, जिनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, जिन्होंने बुधवार को संसद भवन से निकलते हुए एक विवादित बयान दे दिया था। कटाक्ष करने के लिए वो अक्सर नए नए शब्द ढूंढते रहते हैं, नए नए शब्द गढ़ने के शौकीन हैं। अधीर रंजन ने द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपति के बजाय राष्ट्रपत्नी शब्द का प्रयोग कर दिया, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है, अपमानजनक है, असंवैधानिक है, नहीं होना चाहिए। उनसे मीडिया ने पूछा था कि आप राष्ट्रपति भवन जा रहे थे पर जाने क्यों नहीं दिया गया, तो अधीर रंजन चौधरी ने जवाब दिया कि आज भी जाने की कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं। अधीर रंजन चौधरी 5 बार के लोकसभा सांसद हैं, कोई नए नेता नहीं है। वो संसद कैसे चलती है, संसद की मर्यादाएं क्या हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। 5 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं, मनमोहन सिंह की सरकार में रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं, इसलिए प्रोटोकॉल भी उन्हें अच्छी तरह से पता है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता रह चुके हैं और उन्हें सोनिया गांधी का करीबी भी माना जाता है। इतने बड़े और अनुभवी कांग्रेस नेता होने के बावजूद उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया। लेकिन यह सिर्फ द्रौपदी मुर्मू का अपमान नहीं, राष्ट्रपति पद का अपमान है, इस देश की महिलाओं का अपमान है, इस देश के आदिवासियों का अपमान है। और जब विवाद बढ़ा तो अधीर रंजन चौधरी को आखिरकार माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने मीडिया के सामने अपने बयान पर जो सफाई दी है, उसका एक वीडियो हमें भी मिला है, जिसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर आपको ऐसा लगेगा नहीं कि उन्हें अपने बयान पर वाकई कोई अफसोस हुआ होगा, लेकिन फिर भी वो माफी मांग रहे हैं, इसलिए हमारा यह फर्ज है कि हम उनकी माफी भी आपको दिखाएं। कल और परसों लगातार हम लोग जब विजय चौक की तरफ हमारा प्रदर्शन जारी रखे थे, परसों भी हमसे पूछा गया, कल भी हमसे पूछा गया पत्रकार की तरफ से, मीडिया वालों से, कि आप कहां जाने का कोशिश कर रहे हैं। परसों भी मैंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए। कल भी ये न हो बताई, कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं, और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुझसे निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके, मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको इसको तवज्जो दिया करो, क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, चाहे वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं, एक बार निकल चुके हैं। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि उनकी हिंदी कमजोर है, क्योंकि वो एक बंगाली हैं और हिंदी में बोलने के वो आदि नहीं है, इसलिए उनसे ऐसी गलती हो गई। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर ऐसा था तो वो किसी और भाषा में बोल सकते थे। अगर उन्हें हिंदी बोलने में परेशानी हो रही है तो वो अंग्रेजी में बात कर सकते थे, वो बंगाली में भी बात कर सकते थे, या फिर सोच समझ कर तो बोल ही सकते थे। असल में ये भाषा की नहीं, बल्कि कटाक्ष करने का मौका ढूंढने वाली सोच की परेशानी है, उसकी दिक्कत है। अधीर रंजन चौधरी ने ऐसा पहली बार नहीं किया। वर्ष 2019 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उस समय उन्होंने निर्मला की बजाय निर्बला सीतारमण कहकर पुकारा था, और तब भी ऐसा ही विवाद हुआ था, और विवाद होने के बाद अधीर रंजन ने निर्मला सीतारमण को अपनी बहन बताते हुए माफी भी मांग ली थी। और अपनी सफाई जब उन्होंने दी तो सफाई में वही तर्क दिया जो आज दे रहे हैं, कि उनकी हिंदी कमजोर है। और अधीर ने शायद सोचा होगा कि उनकी यह शब्दावली वायरल हो जाएगी। उन्होंने जो बयान दिया, ये दिया तो इसलिए होगा कि ये जो उन्होंने बयान दिया है ये वायरल हो जाएगा, और ये बयान और ये शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया ये सरकार को शूल की तरह चुभेगा। लेकिन ऐसा करने के चक्कर में वो मर्यादा भूल गए और अब उन्हें माफी मांगनी पड़ रही है।